हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। आज का लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि आज हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं एलसीएम की। यस, लीस्ट कॉमन मल्टीपल सॉल्व करना सबने सीख लिया, प्रैक्टिकली उसको यूज कैसे करते हैं या क्या इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं आज के लेक्चर में सीखेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल से शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि किस सिचुएशन में एलसीएम को यूज किया जा सकता है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए मैं एक सर्कुलर ग्राउंड बना रहा हूं। ये एक ट्रैक है जिसमें मॉर्निंग वॉक करने के लिए तीन दोस्त निकले हैं। लेट्स सपोज थ्री फ्रेंड्स आर देयर। वो इस पॉइंट से शुरुआत कर रहे हैं, तीन दोस्त हैं ए बी और सी, सुबह की सैर करने के लिए निकले और इस पॉइंट से ऐसे सर्कल में घूमकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आएंगे। अब कुछ सिचुएशन गिवन है आपको। क्या गिवन है? कि जो ए पर्सन है वो दो मिनट लगाता है एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो मिनट में ये एक सर्कल कंप्लीट करता है, जबकि जो बी है, बी टेक्स थ्री मिनट्स। बी को कितना टाइम लगता है? थ्री मिनट्स लगते हैं इसको कंप्लीट करने में। जबकि सी है, अब सी मान लीजिए सी टेक्स एट मिनट्स। मेरे पास तीनों का अलग अलग टाइम है। अब तीन दोस्त हैं, इतने इतने मिनट लगाकर टू मिनट, थ्री मिनट और एट मिनट में एक सर्कल कंप्लीट करते हैं। और आपको क्या निकालना है कि बताइए, अगर तीनों ने इकट्ठे यहां से चलना स्टार्ट किया तो कितने मिनट बाद तीनों दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे? स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे? अब देखो, मैनुअली करोगे तो इट विल टेक टाइम, क्योंकि जो ए वाला है वो तो दो मिनट में सर्कल कंप्लीट कर लेगा, लेकिन जब तक ए का पहला सर्कल कंप्लीट होगा तो बी भी वहां पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि बी को पहुंचने में तो तीन मिनट लगते हैं, सी वाले को तो और भी ज्यादा टाइम लगता है। अब ऐसी सिचुएशन में जब तीनों ने शुरुआत सेम टाइम पर की और तीनों दोबारा कितनी देर बाद इकट्ठे यहां पर मिलेंगे, तो इस केस में हमें क्या निकालना है जी? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखिए बहुत अच्छा यूज है। अगर अब मैं देखूं टू थ्री और एट, इसका एलसीएम कैसे निकलता है? अब इसका एलसीएम निकालने के लिए डिवीजन मेथड हमने पढ़ा है, बहुत सिंपल मेथड था। क्या है डिवीजन मेथड? ये देखिए, टू थ्री एट, सबसे पहले टू के टेबल से डिवाइड करिए, बस। अब आगे देखिए, कोई भी ऐसी कॉमन वैल्यू नहीं है जो डिवाइड होती हो किसी कॉमन फैक्टर पे। अब देखिए, फोर टाइम थ्री इज ट्वेल्व, ट्वेल्व टाइम टू इज 24, यानी कि इनका एलसीएम कितना है? 24। तो इसका मतलब 24 मिनट्स के बाद ये दोबारा मिलेंगे। अब मैनुअली कर सकते थे आप इसको, अगर आप चक्कर लगाते तो जैसे सी है 8 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करता है, एक चक्कर 8 मिनट में, फिर 8 मिनट, फिर 8 मिनट। दैट मींस सी वाला जो पर्सन है वो टोटल तीन सर्कल जब कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा, तब ए और बी भी वहां पर होंगे, क्योंकि देखो बी थ्री मिनट्स है ना, थ्री के टेबल में भी 24 आता है, टू के टेबल में भी 24 आता है, राइट? तो इस तरह से एलसीएम के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हमें पता होने चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है उस पे चलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लेट्स सपोज हमारे पास थ्री बल्ब्स है, राइट? थ्री बल्ब्स, बल्ब ए, बल्ब बी एंड बल्ब सी। अब तीनों बल्ब ग्लो करते हैं, स्टार्टिंग में तो सेम टाइम पे ग्लो करेंगे, जैसे हमने सर्कुलर पाथ में पढ़ा था ना, स्टार्टिंग पॉइंट सेम था, इकट्ठे चले थे, तो एक बार तो तीनों इकट्ठे ग्लो कर गए, लेकिन ये बंद हो जाते हैं, फिर दोबारा जलते हैं, जैसे लाइम लाइट्स की बात करते हैं हम, जगमगाते हैं, कभी बंद होते हैं फिर स्टार्ट हो जाते हैं, जलता है बुझता है, जलता है बुझता है, इस तरह से। लेट्स सपोज फ्रीक्वेंसी क्या है? ये जो है ये आफ्टर एवरी 1 सेकेंड की बात करते हैं, यहां पर आफ्टर एवरी 1 सेकेंड, एक एक सेकेंड का गैप है इसमें ए में, ठीक है? पहले ग्लो करेगा फिर बंद कर जाएगा, एक सेकेंड के बाद फिर चलेगा। लेकिन जो बी है ये मान लीजिए 2 सेकेंड का गैप है इसमें, और सी वाले का गैप है 3 सेकेंड।
अब देखो सेम टाइप की सिचुएशन है, एक बार तीनों इकट्ठे ग्लो किए, बताओ दोबारा कितने सेकंड्स के बाद इकट्ठे ग्लो करेंगे, क्योंकि सभी बराबर नहीं होंगे ना। पहले तो जैसे एक बार ग्लो कर गए, जब बंद होंगे तो ए सबसे पहले जल्दी जलेगा क्योंकि इसकी तो 1 सेकंड का गैप है, उसके बाद ये जलेगा, उसके बाद ये जलेगा, तो इकट्ठे कितने टाइम बाद जलेंगे ये, इकट्ठे ग्लो करेंगे। वी नीड टू फाइंड एलसीएम ऑफ 1, 2 एंड 3, और 1, 2 और 3 का एलसीएम निकालोगे तो क्या होता है 6। दैट मींस आफ्टर एवरी 6 सेकंड्स, हर 6 सेकंड के बाद ये तीनों बल्ब इकट्ठे ग्लो करेंगे। देखो कंसेप्ट तो एलसीएम यूज हुआ ना, तो ये इस तरह के कंसेप्ट्स याद रखने हैं कि जब स्टार्टिंग सिचुएशन सेम हो और 2, 3, 4 कुछ भी इस तरह से सिचुएशंस दे रखी हैं अलग अलग लोगों की, और फाइनली हमें कुछ ऐसा निकालना हो कि इकट्ठा कब होगा, तो ऐसे हर सिचुएशन में आप क्या यूज करेंगे, एलसीएम यूज करेंगे। राइट, आई होप आपको आज एलसीएम का प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर पूछ ली जाए वो अब क्लियर भी है, आगे भी बता सकते हैं। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिए। थैंक यू सो मच।